नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास। भोपाल मिशन साइबर सेफ वर्ल्ड की शुरुआत स्टेट साइबर पुलिस ने की। स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने तमाम ऑनलाइन सर्विसेज कंपनी के प्रतिनिधि के साथ साइबर अपराध को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप में पेटीएम, फोन पे, अलीबाबा समेत विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि शामिल हुए। एडीजी साइबर योगेश देशमुख ने ऑनलाइन अपराध को रोकथाम के लिए उनसे चर्चा की। एडीजी योगेश देशमुख ने बताया, साइबर क्राइम को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश में साइबर अपराध में कमी आ सके। एडीजी योगेश देशमुख ने बताया, साइबर पुलिस अब अलग ड्रेस में सप्ताह में एक दिन नजर आएगी। उनको पूरी जानकारी किस तरह, उनको डाटा कौन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड में जो काम करते वही लोगों ने डाटा प्रोवाइड। देखिए, ये आप मान के चलिए हैकिंग होती है और साइबर फ्रॉड क्रिमिनल्स बहुत टेक्निकली कई सारे क्वालिफाइड भी लोग हैं। बहुत से फ्रॉडस्टर्स हैकिंग भी कर रहे हैं, डेटा चोरी भी हो रहा है। जहाँ जहाँ कंपनीज में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है, उनके डेटा चोरी हो जा रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे वर्तमान में नहीं है, तो डेटा प्रोटेक्शन जो जो कंपनी डेटा इकट्ठा कर रही है उसको रखना आवश्यक है। तो ये डेटा मार्केट में, डार्क वेब में है, तो वहाँ पे उनको सारी जानकारियाँ रहती हैं। बीच बीच में आप सुनते होंगे क्रिप्टो करेंसी भी हैक हो गई, कईयों का डेटा हैक हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स हैक हो गई हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन रहती हैं, जो फ्रॉड करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जितने कॉरपोरेट्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये लगातार अपने अपने सिस्टम्स को गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, गवर्नमेंट के लॉज में, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट करती हैं उस पर आपस में समन्वय बने। अल्टीमेटली सबके दिमाग में एक ही बात है, कैसे हम अपने, जो बैठक है इसमें आखिरी व्यक्ति आम जनता जो इस देश का है, आम जन है, उसको कैसे तत्काल राहत मिले और विशेषकर उसके पैसे किस तरीके से रुक पाए, इसके लिए बैठक है। ये आज इसमें बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, यद्यपि जितना भी ब्लॉकिंग होती है ये बैंक्स करती हैं। यहाँ पे जो ई वॉलेट सर्विसेज के जो प्रोवाइडर्स हैं वो अपने 24/7 पोर्टल, इनका कहीं अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है, उन्होंने कहा है वो तत्काल शुरू करेंगे। ये इनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि हमारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यानी साइबर क्राइम, अगर या कोई भी हमारे मध्य प्रदेश पुलिस का कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनसे रिक्वेस्ट करता है तो 24 घंटे इनके पास एक नोडल अफसर होना चाहिए, जो अगर पैसा कहीं और नहीं गया है तो तत्काल ब्लॉक हो जाए, जिसके लिए ये चर्चा यहाँ पे आज हो रही है। सावधानी बरतनी चाहिए, देखिए ये कुछ समस्याएं समझ में आई हैं। जैसे कॉरपोरेट्स की बात करें, जो ये सब ई कॉमर्स आदि पेमेंट वॉलेट्स वगैरह हैं, इनकी अपनी एक अलग मानसिकता से काम होता है। यहाँ पे व्यापार प्राथमिकता रखता है और जनता को उनके साथ फ्रॉड ना हो, उसके लिए कुछ सावधानियाँ जनता को भी रखनी है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होने के नाते हमें उनको तत्काल राहत देनी है। तो ये सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। आपने पूछा जनता को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखिए, हर एक कंपनी की एक जेन्युइन वेबसाइट है और आप सभी को मालूम है जो हैकर्स हैं, बदमाश हैं, साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये बहुत सी स्पूफिंग करते हैं। कई बार आपके बहुत से कार्ड डिटेल्स आपको गुमराह करके आपसे ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो फ्रॉड कर लेते हैं। तो जनता को जितने जल्दी अपनी इकोनॉमी डिजिटाइज होते जा रही है, जनता जितने जल्दी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उस दुनिया में डाल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षा के बारे में जानकारी भी की भी आवश्यकता है, जो वर्तमान में नहीं है। तो साइबर अवेयर होने की आवश्यकता है, साइबर सिक्योर होने की आवश्यकता है। डिजिटल गैजेट्स का उपयोग करिए, इंटरनेट का उपयोग करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके क्या क्या आपको सुरक्षा रखनी चाहिए संपर्क के संबंध में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। इसीलिए आप किसी भी, अगर आपको कस्टमर केयर चाहिए तो आप जेन्युइन वेबसाइट में जाइए, वहाँ से कस्टमर केयर नंबर दीजिए। देखा क्या जा रहा है कि आप गूगल में किसी वेबसाइट का कस्टमर केयर मांगते हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे साइबर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल हैं जिन्होंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है। तो व्यक्ति अच्छी भावनाओं के साथ ट्रस्ट कर लेता है, उसमें जब कॉल करता है तो उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आप जेन्युइन वेबसाइट्स में जाइए, आपको लगता है चाहे बैंक्स हों, बैंक्स में आपके पास अगर बगल में है तो वहाँ जाके आप कस्टमर केयर नंबर ले लीजिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो सब में कस्टमर केयर होता है। आप गलत कस्टमर केयर गूगल से सर्च करके आप ले लेते हैं, उसके साथ आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे बहुत से मैसेजेस हैं लोगों का, आप गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सेक्सटॉर्शन भी बहुत हो जाता है, कई लोग ब्लैकमेल के शिकार होने लग जाते हैं। आप आइए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, हम उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और तत्काल राहत देने का पूर्ण